सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी थी। माता सीता ने अपने जीवन काल में अनेक कष्ट उठाए। अपने पति के साथ वे सालों तक वन में रही। बाद में रावण ने उनका अपहरण कर लिया। श्री राम ने रावण का अंत कर माता सीता को मुक्त किया। वे अयोध्या आए और राजभोग किया, लेकिन गर्भवती माता सीता को फिर जंगलों में जाना पड़ा। वन में ही उनके दो पुत्र लव कुश हुए और अंततः माता सीता फिर धरती में समा गई। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के इस दिन सीता नवमी का पर्व मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन माता सीता का जन्म मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा जनक यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। जोती हुई भूमि को तथा हल की नोक को सीता कहते हैं, इसलिए इस बालिका का नाम सीता रखा गया। श्री राम से विवाह के समय सीता की आयु 6 वर्ष की थी। इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में इस प्रसंग से मिलता है। वाल्मीकि रामायण में दिए गए विवरण के अनुसार माता सीता को महज 18 साल की आयु में वनवास का कष्ट भोगना पड़ा था। सीता अपने पति राम से 7 साल छोटी थी। सीता जी पूर्व जन्म में एक तपस्विनी थी जो रावण की दुष्टता के कारण अग्नि में समा गई थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि देवराज इंद्र ने रावण की अशोक वाटिका जाकर माता सीता को खीर अर्पित की थी, जिसके बाद माता सीता की भूख प्यास शांत हो गई थी। वाल्मीकि रामायण की सबसे खास बात यह है कि इसमें सीता स्वयंवर का उल्लेख नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने स्वयंवर में शिव धनुष नहीं तोड़ा था, बल्कि इसका प्रसंग अलग है। श्री राम लक्ष्मण को लेकर ऋषि विश्वामित्र मिथिला गए। राजा जनक ने उन्हें शिव धनुष दिखाया। श्री राम ने उस चमत्कारिक धनुष को यूं ही उठा लिया और वह टूट गया। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कि जो इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे, जिसके कारण उन्होंने सीता का विवाह श्री राम से करवाया। मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री राम व सीता का विवाह हुआ था। हर साल इस तिथि पर श्री राम सीता के विवाह के उपलक्ष्य में विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह प्रसंग श्री रामचरित मानस में मिलता है। श्री रामचरित मानस के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम के पीछे पीछे सीता चलती थी। चलते समय सीता इस बात का ध्यान रखती थी कि भूल से भी उनका पैर श्री राम के चरण चिन्हों पर न पड़ जाए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण अपने रथ से किया था। रावण का यह दिव्य रथ सोने का बना था। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी, जनकात्मजा तथा जनक सुता भी कहते हैं। मिथिला की राजकुमारी होने के कारण ये मैथिली नाम से भी प्रसिद्ध है। भूमि में पाए जाने के कारण इन्हें भूमि पुत्री या भूसुता भी कहते हैं। तो ये थी माता सीता के विषय में कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी और भी मिलती रहे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।